नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में दो दिनों पहले हुई मोबाइल चोरी के मामले में एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बता दें कि दो दिन पूर्व हुई घटना में छोटू दास को मोबाइल चोरी का आरोपी बनाया गया था। आज आरोपी पक्ष के लोगों ने ही भुक्तभोगी रेणु कुमारी के साथ घेर कर मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गई। घटना के बाद रेणु को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेणु की मां देवकी का कहना है कि 3 जनवरी को छोटू दास ने ही मोबाइल चोरी कर लिया था। घटना के बाद छोटू ने पत्थर चलाया था और वो पत्थर रामकाशी देवी को जाकर लगी थी। बाद में उसने पत्थर चलाने का आरोप देवकी के परिवार पर लगा दिया था। देवकी का कहना था कि उसकी बेटी रेणु के साथ छोटू के अलावा उसकी मां रामकाशी देवी, पत्नी आयशा दास और उसके पिता अशोक दास ने मारपीट की है। बता दें कि 3 जनवरी को भी मारपीट की घटना में छोटू दास ने देवकी के पति अशोक और उसके देवर सहित पूरे परिवार पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर मारपीट करने की बात कही थी। इस घटना में मां, पत्नी और वो खुद घायल हो गया था, जिसको लेकर थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देवकी देवी ने बताया कि परसों की घटना के बाद थाना द्वारा दोनों परिवारों के बीच समझौता कराते हुए दोबारा मारपीट नहीं करने की हिदायत दी थी। बावजूद छोटू दास के परिवार वालों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। अब वे लोग थाना में छोटू दास के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। सर, ये तो मोबाइल का चलते मारपीट हो रहा था, तो ये हाथाबाई में उसका मतलब बेटे ही पत्थर पकड़ा था और सर उसका माँ का ही फट गया और उल्टा केस भी कर दिया। पुलिस आके हम लोग को समझाया, वहाँ से भी नाम लिया, हम लोग से भी नाम सब का लेके गया। बोला लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम बोले ठीक है। वैसे हम चल गए कागज चुनने के लिए, कागज चुनने हम गए। मेरा बेटी काम करके आ रही थी, मेरा बेटी दुकान जा रही थी और सबको मिल के उसको मारने लगा। क्या चीज से मारा? पत्थर से मारा सर। बेटी क्या कहाँ काम करती? बेटी नेहरू कॉलोनी घर बर्तन की काम करती है। झगड़ा सी मोबाइल का था? क्या था मोबाइल का, क्या मामला था? मोबाइल का मामला ये था कि मतलब घर में उसका बेटा चोरी किया था मोबाइल, और उल्टा सीना चोरी भी कर रहा है। कहाँ से चोरी किया? बड़गांव से, छायानगर में। कब हुआ था? ये वाला आपका कौन दिन था बेटा? ये वाला परसों का बात है, परसों नरसों का बात है सर। तो कौन मारा है? इसका बहू छोटी मारी है, छोटू मारा है, उसका बड़ा बेटा मारा है, उसका ससुर मारा है, उसका सास सब मिलके मारा हुआ है। हम तो कागज चुन रहे थे, हम हल्ला सुने तब हम दौड़ के आए। कहाँ रहते हैं आप? हूँ पे छायानगर। ये तो परसों एक घटना घटा था, वो बड़गाज का नीचे वही वाला मामला है। हाँ, उन लोग का आरोप था कि वो मोबाइल नहीं चोरी किया था और आप आरोप लगा के मारे हैं। तो भी वो सब जानबूझ के लड़ाई झगड़ा किया, अपने आप में सर फाड़ा फूड़ी होया है, ऊपर से केस भी कर दिया है, बेटा सबका मेरा नाम भी दे दिया है, पति का नाम दे दिया है। लोग कहना था कि अशोक और कोई एक जन है वो वहीं बड़गाज के नीचे बैठे हुए थे, सब कोई नहीं मारा है कि हम लोग सब नीचे ही थे। ऐसा वापस से मैं मतलब ईटा बोलना चला चली हुआ सर, लड़ाई झगड़ा में सब अपने सर फटा, अपने केस की अब बोला कि मारा हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।